subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, जमात हश्तुम के शहरियत के पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो का आखिर तक देखिए। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, अब पार्लिमानी तो ये शहरियत में जो असबाक है, पहला है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का तारुफ, भारत की पार्लियामेंट, मरकज़ी मजलिस आमला, भारत का अदालती निज़ाम, रियासती हुकूमत और नौकरशाही। आज हम इंशाल्लाह पहला सबक शुरू करेंगे, इसे पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे और उन तमाम नुकात पर गौर करेंगे जो ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का तारुफ। हमें इस सबक में भारत के आइन में मज़कूर निज़ाम हुकूमत या तर्ज हुकूमत का मुताला करना है। पहले जानते हैं कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से क्या मुराद है। भारत में वज़ीर आज़म का ओहदा है लेकिन अमरीका में वज़ीर आज़म का ओहदा क्यों नहीं है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और सदारती तर्ज हुकूमत में क्या फ़र्क है। अब इन तमाम सवालों के जवाब अगर हम समझना चाहें तो इस सबक को हम बेहतर तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं। मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत की नुयत को जहन नशीन करने से कबल हम निज़ाम हुकूमत की अहम शाखों की मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले चीज़ होती है क़ानून साज मजलिस यानी मजलिस मुखन्नना। ये क्या करती है, ये क़वानीन बनाती है, क़वानीन की तश्कील का काम करती है। यानी क़ानून बनाने का काम कौन करती है, क़ानून साज मजलिस या मजलिस मुखन्नना। मजलिस आमला यानी जहाँ पर वज़रा वगैरह होते हैं, जिस पर अमल आवरी होती है, वो इन क़वानीन को नाफिज करती है। अदलिया की जिम्मेदारी इंसाफ कायम करना है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क़ानून साज मजलिस, मजलिस आमला और अदलिया। अब इन तीनों शाखों के काम, दायरे इख्तियारात, हुदूद और बाहमी ताल्लुकात दस्तूर ही तय करता है। निज़ाम हुकूमत की नुयत इन तीनों अवामिल पर मबनी होती है। बुनियादी तौर पर तर्ज हुकूमत की दो किस्में हैं, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और सदारती तर्ज हुकूमत। चलिए देखते हैं पार्लिमानी तर्ज हुकूमत क्या है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत दरअसल बरतानिया में इर्तिखा पज़ीर हुआ। बरतानिया में गैर तहरीरी दस्तूर होने की वजह से आज भी निज़ाम हुकूमत रिवायती तर्ज पर कायम है। यानी वहाँ का जो दस्तूर है वो गैर तहरीरी है और उसी लिहाज से वहाँ की हुकूमत का कामकाज चलता है। पार्लियामेंट की नशोनुमा भी बरतानिया ही में हुई है। पार्लियामेंट पर मबनी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत बरतानिया ही की इख्तरा मानी जाती है। यानी भारत पर पहले हुकूमत किसकी थी, अंग्रेज़ों की यानी बरतानिया के लोगों की, तो वहीं का हमने तर्ज हुकूमत यहाँ अपनाया। अलबत्ता भारत में इस तर्ज हुकूमत को पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, लेकिन ये क्या रहता है, यहाँ पर भारत में इसमें दस्तूर की इजारादारी है और दस्तूर जो है भारत में तहरीरी दस्तूर है, लिखा हुआ ज़रूर है लेकिन तहरीरी दस्तूर है। यानी बरतानिया का पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत और भारत का पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत वसी मफहूम में यकसा नज़र आते हैं, लेकिन मफहूम व मानी और मकासद के नुक्ते नज़र से भारत के पार्लिमानी निज़ाम और बरतानिया के निज़ाम हुकूमत में फ़र्क पाया जाता है। पहले समझेंगे कि भारत का पार्लिमानी निज़ाम कैसा है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत हुकूमती कामकाज का एक तरीक़ा है। यानी जो हुकूमत चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी की हो, तो उसका कामकाज का तरीक़ाकार एक तरीक़ेकार होता है। मरकज़ी हुकूमत की क़ानून साज मजलिस को पार्लियामेंट कहा जाता है। यानी जहाँ पर वज़ीर आज़म और वज़रा कौंसिल होती है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। सदर जमहूरिया, लोकसभा ऐवान ज़ेरी और राज्यसभा ऐवान बाला के बाहमी इश्तराक से पार्लियामेंट की तश्कील होती है। यानी सदर जमहूरिया, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा ऐवान ज़ेरी जिसे जिसके नुमाइंदे भारत में हर एक मुकाम से चुन के जाते हैं, राज्यसभा ये भी चुनकर ही जाते हैं लेकिन इसे नुमाइंदे चुनते हैं, तो इसी से पार्लियामेंट की तश्कील होती है। पार्लियामान के ईवान लोकसभा के अवामी नुमाइंदे अवाम की जानिब से बराह रास्त मुंतखब होते हैं। लोकसभा के नुमाइंदों की तादाद तय होती है। लोकसभा के कुल नुमाइंदों की तादाद 543 है। इसमें कुछ एंग्लो इंडियन वगैरह भी नुमाइंदे होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। यानी कुल 543 है और जिससे 272 मेम्बरान मिल जाए उसकी हुकूमत बन जाती है। मुखर्रा मुद्दत के बाद लोकसभा के इंतखाबात होते हैं। ये कुल 5 साल का वक्फा होता है। यानी मुद्दत कितने साल की है, 5 साल की। तो मुखर्रा मुद्दत के बाद लोकसभा के इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात में मुल्क की तमाम सियासी जमातें शामिल हो सकती है। अब सियासी जमातें कौन कौन सी है, जैसे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, शिवसेना है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, ये तमाम सियासी जमातें हैं। जिन सियासी जमातों को निस्ब से ज़ायद नशस्तें हासिल होती है, यानी 272 से ज़्यादा,
तो इसे अक्सरियती जमात तस्लीम किया जाता है और वो हुकूमत बनाती है। यानी अक्सरियती जमात क्या करती है? हुकूमत बनाती है। बसा अवकात किसी एक ही जमात को वाज़ह अक्सरियत हासिल नहीं होती है, ऐसी हालत में कुछ सियासी जमातें आपसी इत्तेहाद करके अपनी अक्सरियत साबित करती है। जैसे कि महाराष्ट्र में अभी जो हुकूमत बनी है कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की, तो ये इत्तेहादी हुकूमत कहलाती है। यानी अलग अलग पार्टी के लोग मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाते हैं और इन्हें हुकूमत साजी का मौका मिलता है, इसे मुत्तहदा या मखलूत हुकूमत कहते हैं। अवाम की तरफ से मुंतखबा नुमाइंदे क़ानून साज मजलिस के अराकीन तस्लीम किए जाते हैं। यानी रियासत में रहेंगे तो MLA और MLC रहेंगे, और मरकज़ में रहेंगे यानी दिल्ली में तो वो MP कहलाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। और अक्सरियती जमात को अपनी हुकूमत तश्कील देने का इख्तियार हासिल होता है। अक्सरियती जमात का क़ायद वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज़ होता है। अब देखिए, अक्सरियती जमात हमारे पास BJP है जिसे 300 से ज़्यादा नशिस्तें मिली थी, तो इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करार पाए हैं। अपने चंद साथियों पर मुश्तमिल वज़रा कौंसिल यानी काबीना तश्कील देता है। वज़ीर आज़म और इनकी वजारती कौंसिल काबीना हुकूमत की मजलिस आमिला होती है। मजलिस आमिला पर दोहरी जिम्मेदारियाँ होती है। यानी मजलिस आमिला क्या होती है? ये वजारती कौंसिल होती है। ये क्या करती है? इनके पर दोहरी जिम्मेदारियाँ हैं। मजलिस आमिले का तरफ पर इन्हें खवानीन को नाफिज करना, और क़ानून साज मजलिस के भी रुकन होते हैं, इसलिए इन्हें क़ानून साज मजलिस से मुतालिक जिम्मेदारियाँ भी निभाना होता है। यानी एक तो वज़ीर भी होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, दोनों काम करना पड़ता है। वज़ीर आज़म और इनकी काबीना अपने कामों और पॉलिसियों के लिए क़ानून साज मजलिस को जवाबदेह होते हैं। यानी काबीना को क़ानून साज मजलिस को साथ लेकर हुकूमती उमूर अंजाम देना होता है। यानी क़ानून साज मजलिस जो पार्लियामेंट है उसको वज़ीर आज़म और वज़ीर उनके जो वज़रा कौंसिल है वो सब जवाबदेह होते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। इसीलिए पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत को जवाबदेह तर्ज हुकूमत कहा जाता है। इसी तरह इज्तिमाई जवाबदही पार्लियामानी तर्ज हुकूमत की एक अहम खसूसियत है। यानी सबकी मुनजुमला जवाबदही होती है, ऐसा नहीं है कि हम जो लोग बोलना चाहे वो बोल दे, जो करना चाहे वो कर ले और बाकी सबको हवा पर छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी एक इदारे का फ़ैसला हुकूमत का फ़ैसला तस्लीम किया जाता है। इस फैसले की जिम्मेदारी पूरी काबीना की होती है। अभी आगे जाकर हम आइंदा दो असबाक में इस बारे में और मालूमात हासिल करेंगे। पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत में मजलिस आमिला क़ानून साज मजलिस के एतबार पर मुनहसर होती है। यानी जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर ही मजलिस आमिला यानी वज़रा कौंसिल जो अमल करने वाली मजलिस है वो मुनहसर होती है। यानी क़ानून साज मजलिस मजलिस आमिला से मुत्तफिक रहने तक ही वज़ीर आज़म और काबीना का अख्तियार होते हैं। अगर क़ानून साज मजलिस या पार्लियामेंट को ये महसूस होता है कि मजलिस आमिला की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है, तो पार्लियामेंट तहरीक अदम एतमाद पेश करके मजलिस आमिला को इख्तियारात से बरतरफ कर सकती है। अब देखिए, ऐसा तो बहुत मुमकिन होता नहीं है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है उसे कबूल कर लिया जाए। ये कबूल उस वक्त हो सकता है जब हुकूमत का जो मेजॉरिटी है वो कम हो जाए। तहरीक अदम एतमाद हुकूमत पर काबू रखने का एक अहम मौसर वसीला है। पार्लियामानी तर्ज हुकूमत, अब पार्लियामानी तर्ज हुकूमत में क्या होता है? पार्लियामेंट या क़ानून साज मजलिस का एक मरतबा आला होता है। अवाम के ज़रिए मुंतखब करदा नुमाइंदे अवाम के तवक्कुआत पर पार्लियामेंट में पेश करते हैं। जैसे कि किसी भी इलाके, चाहे वो औरंगाबाद हो, जालना हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, जहाँ के भी नुमाइंदे होंगे वो वहाँ के इलाके की नुमाइंदगी करेंगे और लोगों के मसाइल को पेश करेंगे। अवामी मफाद के लिए क्या किया जाए पार्लियामेंट तय करती है। वो अवामी नुमाइंदों का ऐवान है, और चूँकि ऐवान अवाम के आला तरीन हकूक पेश करता है इसलिए वहाँ पर ये काम होता है। अब देखिए, अभी जो दिल्ली में है बड़े पैमाने पर आलूदगी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो सो उसके ऊपर तरफ तवज्जो मबजूल कराने का काम भी किसका है? ये नुमाइंदों का है। अब हमने पार्लियामानी तर्ज हुकूमत क्यों अपनाया है? भारत के पार्लियामानी तर्ज हुकूमत अपनाने की चंद वजूहत है। अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत ही में भारतीय पार्लियामानी इदारा तश्कील पा चुका था। यानी अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत में ही भारत में पार्लियामेंट बन गई थी। अंग्रेज़ हुकूमत ने इस तर्ज हुकूमत के मुताबिक हुकूमती उमूर की अंजामदही की इब्तदा की थी। पार्लियामानी तर्ज हुकूमत भारत की जंग आज़ादी का एक हिस्सा है। इसकी वजह से भारतीयों की इस तर्ज हुकूमत का तारुफ हुआ था। यानी दस्तूर साज मजलिस में इस निज़ाम हुकूमत पर बड़ी बहस भी हुई। भारतीय समाज की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए दस्तूर साजों ने इस बात में मुनासिब तब्दीलियाँ की। पार्लियामानी तर्ज हुकूमत में बहस और तबादला ख्याल के लिए काफ़ी गुंजाइश होती है। पार्लियामेंट में अवामी मफाद पर बहस होती है,
इस बहस में हज़ब इख्तलाफ के अरकान भी शरीक होते हैं। मुनासिब मौके पर हुकूमत का साथ देना, कवानीन और पॉलिसी की खामियों को वाजह करना, सवालात पेश करना वगैरह हज़ब इख्तलाफ की ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसलिए पार्लियामेंट को बेनक्स कवानीन वज़ा करना मुमकिन होता है। यानी पार्लियामानी तर्ज हुकूमत ये भारत के लिए मुनासिब है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ नू के लोग रहते हैं और बहुत सारे अमीर गरीब किसान अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोग मौजूद हैं, इसलिए पार्लियामानी तर्ज हुकूमत भारत के लिए अहम है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।